और आबिद भाई भी जिन्हें आ गया इंची टेप इथे रह गई है जी वो लैण वास्ते आया हुण की टाइम मानना कल ही मैं सारा दिन जे ना ट्राई की थी किचन काम होते आ काफी सारा तो काम कुछ तबड़ी की थी भी निबड़ जावे लेकिन वो कुछ काम रह गया है हुण इंशाल्लाह ताला आज निबड़ जासी सुबह इंशाल्लाह ताला तोडे कोल आ जासा चलो ठीक हो गया और बेगम ही चंगेरा जी ने दो रही है तकरीबन जी पंद्रह दिन बाद दस पंद्रह दिन बाद चंगेरा जी ने पहले सारिया जी ने दो लिया क्योंकि नाल फिर ग्यो वाले पराठे होंगे न ते मैलिया जी हो जाएं फिर सरफ ने जी ने दो लिया और चंगेरा जी ना बेगम ने जी ने दो लिया और इतने जी ना मंजे ते लिया के जी रख लिया दुप ते जी ना सुक जावनगियां ना और इन नाल भी असं देने दो चंगेर लवेंगे और पहले वालिया तो जेना दागा भी तकरीबन जेना खराब ही होया होता है तो नाल अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सुबह बखैर और बेगम ही सारे घर की साफ सफाई जेना कर ली है मुकम्मल और अज नुमान की भी स्कूल चो छुट्टी हो गई है क्योंकि नुमान में जेना थोड़ी चोट लग गई इस करके जेना नुमान छुट्टी जेना कराई क्योंकि पैर से जेना लगी सुना तो सही तरह जेना चलिया नहीं सुजाता दर्द होंगी सी इस करके मैं कहा जेने रेस्ट कर ला तो सवेरे जेना स्कूल चला जाए वैसे दरा जो गोडे को बड़ी क्यों कहते जेना पावे जेना लगे ना गोडा पैर का चलन फिर लगे काफी सारा जेना दर्द होंगे इस करके मैं छुट्टी क्योंकि बहन लगे उठी लगे और दवाई तो जेना लैन दी आई तो बाकी टूक जेना पहले जी पई उपर जेना लाई है तो इथो की जेना वैसे ही जेना क्योंकि चलन फिरन जेना इथो ही लत के नाल ही होंगे ना इस करके दर्द होंगी सो मैं चलो अज जेना रेस्ट कर ला और मैं भी साफ सफाई जेना कर लवा टोटल क्योंकि कमेंट ही एक आया कि सारे घर कचरा ही कचरा जेना फैलिया पाया लेकिन कचरा जेने बस मो मिस्त्री जी आए इस वजह से जेने कचरा और मिस्त्री भाई ने जेना अच्छा कोई नहीं किया कल आखिया बस एक दिन की जेने छुट्टी दो तो मैं सुबह जेना काम एक गर्द करना मुका के तो सुबह आ जावगा लेकिन अज भी जेना छुट्टी कर गया कल आ जाता ना तो किचन का अज तकरीबन अंदरों जेना खत्म हो जाना सी और अज की भी जेना छुट्टी कर गया अगर उन्हें सुबह की भी छुट्टी की तो फिर मिस्त्री जेना कोई और ला लवेंगे क्योंकि एक दिन का उन्हें कहा तो अज की भी इन्हें छुट्टी कर ली अगर एवं ही इन्हें अगे और किया सुबह ही ना आया तो आप फिर मिस्त्री कोई और ला ले सा ठीक ने हाँ हूं धुप्पा भी निकल दया इन्हें धुप भी निकल दी ते इस करके भी हूं जल्दी ना पलस्तर वगैरा जो सुक भी जाएगा अगर इन्हें पांच सात दिन और लेट करती तो ठंड और बढ़ जानी मतलब कि बाद जो पलस्तर वगैरा जो खुशक जो कुछ जल्दी सुकना कोई नहीं है मैं कल सारा दिन पानी भी लाया तो शाम को क्यों मैं सुबह जेना आ जावगा लेकिन फिर जेना हम सवेरे फर्स्ट टाइम काम कॉल की सके उधर काम जेना थोड़ा बहुत जेना रह गया तो इस वास्ते जेना सुबह ही आज भी कोई नहीं मिलना सुबह में जेना आवागा तो अगर सुबह ही ना आया फिर मिस्त्री कोई और रखांगे तो त्राई वगैरह जेना कल मैं लादा रहा सारे दिन लेकिन जेना थोड़ा बहुत जेना इटा थोड़ी बहुत नमी चढ़ी है लेकिन त्राई हाली तक मुकम्मल कोई नहीं हो जेन फिर जेना पानी अज लावगा सारा दिन जितना पानी लग गया ना पलस्तर उन्ना ज्यादा मजबूत और खूबसूरती से सफाई ना होंदा क्योंकि पलस्तर जितना की है ना ये तराई नाली जेना होंदा और रेत वगैरह जेने भी कुंजा नाली पई मैं रेत जेना पहले कुंज लवा सुबह जितना कचरा पे इन कुट के रोड़ी बना के जेना रख ली है सही नहीं है और एक कमेंट और भी आया कि जाद भाई तुसी जेना सिंक किचन के अंदर जेना ना लवाओ वाशरूम के नाल जेना ए जगह बची हुई है इधर एक तो पानी की निकासी का मसला नहीं बनेगा वायरिंग का खर्चा भी जेना थोड़ा होगा इस संत जेना सिंक जेना लवा लो लेकिन इतों जेना लवाण का जेना मसला है उत्थे दे है ना कि नज़दीक जेना लवा रहे हैं ताकि जेन उत्थे किचन दे विच जेना कोई बर्तन वगैरह धोना होया पानी वगैरह जरूरत हुई इस करके इतने जेना नज़दीक लवा रहे हैं नहीं तो वैसे ही जेना उधर टूटियां वगैरह ही जेना लगी हुई ने इस वजह से जेना सिंक इतने जेना लवा रहे हैं ताकि जेना कोल दे कोल किचन दे विच जेना सर्दी दे विच इतने ही होया भी पानी की जरूरत हो जो बर्तन वगैरह धोना हो इतने एक नाल जेना नुक्कर ते जेना लगा होगा तो इतने तंदूर होना और तंदूर के बारे भी जेना कमेंट आया सी किचन तू जेना बहर जेना तंदूर लाओ तुसी ते लेकिन फिर किचन बनाने का जेना फायदा ही कोई नहीं जे किचन तू
ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੰਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਧਰ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਈ ਨਾਲ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਹੋਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਲਾਈਏ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਵੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਲਾਵੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੇਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੈਟਅਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਉਧਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਹੀ ਇਧਰਲੀ ਦੇ ਔਰ ਆਬਿਦ ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਤਿੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਕਰ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਉਹ ਉਤਾਂ ਤਿੱਕਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਣੀਆਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੀ ਉਸਰੀਆਂ ਬਸ ਆ ਦੋ ਮੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸਾਰਨੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਉੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਵਾਂਸ ਰੱਖੀ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ ਛੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੋਂ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿਰਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਵੀ ਬਹਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਉੱਧਰ ਸਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੈਂਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਪੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਵਾ ਪੈਂਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਖਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਇੱਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਵਾਂਗੇ ਇੱਟਾਂ ਡੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਰਾਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਪਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਓਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੋ ਜੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਖੋਤਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ ਜਿਆਦਾ ਉਤਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਗ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਰੋੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਟਾਈਮ ਮੰਨਣਾ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾ ਕੁਛ ਤਬੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਲਾਜ ਨਿਬੜ ਜਾਸੀ ਸਵੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ ਸਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ
दीवारा वगैरह जी खुशक खड़िया हुई सुबह कन्फर्म आ जैसे चलो ठीक क्योंकि पहले जिस घर काम बाई कर रहा ना उधर काम रहा एक दो दिन का हाँ एक दिन का जो काम लेकिन छोटा छोटा काम काफी सारा जो बन गया कोई फैंसी काम है इस वजह से आज की दिहाड़ी जो फिर उधर जो लगेगी तो सुबह जो बाई कह रहा है लाजमन जो आवागा और बेगम भी चंगेर जी दो रही है तकरीबन जो 15 दिन बाद जो 10-15 दिन बाद चंगेर जी पहले सारिया जो दो लिया क्योंकि ना फिर ग्यो वाले पराठे होंगे ना तो मैलिया जी हो जाए फिर सरफ ने जो दो लिया धागे वैसे बुते हुए बंदे नूं क्योंकि दूसरी तां जिहड़ी खज्जी दे फड़ियां दी जिहड़ी बणियां होईयां चंगेरां ते आली जिहड़ी धागे दीआं ने खड्डे नूं आज पानी ना देना भरना क्योंकि जितना ज्यादा पानी होवे ना ते हैली बूटी जिहड़ी सही फुटदी है क्योंकि सारे नवें पत्तर जिहड़े कड्डे ने और फुल जो दोपहर टाइम जो सारा खड्डा असल तो जो मौसम होने का ज्यादा फुल गर्मी हो उदो ज्यादा जी ग्रो कर दी है उदो लगी होती तो हूँ तिकर जो सारा खड्डा जो फुल ब्रीज जाना सी अभी मतलब कि बाहर तिकर जो बूटी आ जानी तो फुल बहुत ही ज्यादा जो लगेना और मैं सोच रहा अज आप ही जो इतों वाला डिजाइन बाकी का जो ला लवा जिड़े इन बेच जो पीलर के इतने खाना के बेच जनियाँ ना टैला वो वाली जी सीमेंट वाली लगनिया ने वह सीमेंट निर जी लगनिया ने तकरीबन जो ला के तकरीबन 2-4 मिनट जो पकड़ी रखे ना तो नाल जो चंबड़ जाती है और उपर थले जो दो छोटे जो पीसे बनेंगे तो काफ़ी खूबसूरत और उत्थे जो सामने टैलों का जो कोई डिजाइन वगैरह जो बना लवेंगे कोई एक दो जाले वगैरह जो बनवा लवेंगे इस करके सामने दीवार साफ ही लाग तो खूबसूरत रही लेकिन यह कोई जाले या कोई फट्टी वगैरह जो इंज करके लवावे ना ताकि जो इतने कोई मसाले वगैरह जो रख लीए इधर भी बारी तो होनी है लेकिन इधर जो ज़्यादातर बर्तन वगैरह जो जोड़ देवे अगर जो दरवाज़ा वगैरह जो लवा लवेंगे उधरली साइड वाले जो कर लवेंगे मतलब कि मसाले वाली जगह बनावेंगे नवे कमरे जल्दी जो शिफ्ट कोई नहीं होना क्योंकि पहले जो पलस्तर वगैरह होगा ना कुछ खुशक होगा उस तो बाद जो कोई कलर वगैरह जो करावे फिर जो कोई मीना करोके होंगे विंडो से दरवाज़ा लवा के फिर समान उधर शिफ्ट कर देवे तो ऐले कमरे जो दोवें साफ सुथरे करके ना और ऐले कमरे के अंदर ही जो इन्ना शीट जो इन्ना पा देवे जिम्मे कि इस कमरे अंदर जो शीट पाई है ना इस कमरे अंदर जो इन्ना नवी शीट पा के ना ताकि जो इन्ना मेहमान वाला कमरा जो ना बनावे एक बैड ये वक्ती तो रख देवे फिर एक कमरे वास्ते जो इन्ना बैड असं तंदूर सी जाने मतलब कि जो इन्ना 4-5 महीने रोक के एक बैड और ला लवेंगे और चंगेर जीना बेगम ने जो दो लिया और इतने जो मंजे त लिया कि रख लिया दोपते जो इन्ना सुक जावनगियां और इन नाल भी असं जो दो चंगेर लवेंगे और पहले वाली जो इन्ना धागा भी तकरीबन जो इन्ना खराब ही होया होता तो इन दो चंगेर और ला लवेंगे और रोड़ी जो इन्ना कट्ठी करिए चल के पहले कट्ठी करके बल्कि पैंप भी जो चलाना आबिद भाई कह गया कि जो तराई अच्छी तरीके जो कर आ ली तो कर जो तराई इन्नी ज्यादा जो कोई नहीं हुई तो तराई इन्नी ज्यादा हुई कोई नहीं मैं भी कल ही घंटा जो पानी लाया हाटकी जो पानी वगैरह जो कोई नहीं लाया असल शाम में लगे होंगे धोन फिर दोबारा लाग जाए कह रहा कि सुबह जिस तरह फर्स्ट टाइम मैं आना ना करें तराई अच्छी हुई 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 तकरीबन 2-3 चने जो अंदर हो जाएंगे बाकी जो बहरों करके तकरीबन 2-3 दिनों बेच कोशिश तो सके करा 2 दिन खत्म करा का नहीं तो फिर जाना 3 दिन किचन का मुकम्मल हो जाएगा 2-3 अंदर लगेंगे तो 2-1 दिन जाना बहर लगेगा फिर आप जाना किचन का काम वगैरह जो कर लवेंगे और जी आज के आला विलाग भी कर रहे हैं इतने खत्म इंशाल्लाह मिलने हैं इसे नेक्स्ट अच्छे तो अच्छे विलाग के आबिद भाई सुबह आएगा ना तो उपला समान वगैरह जो दिखावे ना सिंक वास्ते अगर जो कोई पैंप वगैरह जो और लेने पे तो पैंप वगैरह जो लै लवेंगे तो इंशाल्लाह इन दुआवन दे इजाजत अल्लाह हाफिज़।